अबरा गौर करना तरह मिला के हवाले खड़ा हो के अगे बद के ना ते सरकार दे दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु हाथ बन के कहंदा है तकलीफ क्यों कीती सी सुन के भाई सुन के तुम उतो ही आर्डर भेज देना सी उतो ही हुक्म कर देना मेरी जगह ते बह जाओ मेरे तख्त ते बह जाओ फरमाया मैं तेरे तख्त ते बहन नहीं आया ओए असी अजल तो रब ने सानू तख्त ऐसा दाता फरमा देना जरा दुनिया नू किसे नहीं मिल सकता किसरा तशरीफ लैके आ की हुक्म है फौजा पईयां वेख दियां ने ए ते बाबे दे घर नू गिराना है घर की गिराना है ते आप ही गिर गई तेरे आगे यू है दबे दबे या रसूल अल्लाह सदके जावा तेरे आगे यू है दबे लचे फुसाहा अरब के बड़े बड़े गुस्ताख नबी की एक सदा गुस्ताख सहाबा की एक सदा सारे बुजुर्गां भरावां नौजवानां बच्चियां कोलों पुछना और सुनाओ तुहानूं स्वाद आ रहा कि नहीं स्वाद वाली महफिल से जरूर मुनकद करनी चाहिए मजे वाली तेरे आगे यू हैं दबे दबे फुसहा अरब के बड़े 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 प्लान बना के आना बड़े बड़े जनाब मनसूबे बना के आना ऐ करना वो करना इंज टगा देना इंज सीमा कर देना वड्डियां वड्डियां नूं सदिया जदों सोने दे सामने आना ते वड्डे वड्डियां दे सिर नीवे हो जाने आपने पूछना दस किवें आया दस किवें आया वो जिन्नू बड़ा फसाह तो बलागत ते माने अरब दी जबान ते माने इलम ते माने जो सामने आ गए ने सिर चुकदा ही नहीं तेरे आगे यू है दबे दबे फसाहा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जा सारे नारे पे बजदे नहीं तेरे यार दी आमद दी खुशी विच ना सारिया तो राजी हो जा इन्हां दियां मन्नतां पूरियां हो जान इन्हां दे घरां दे विच रामता नादल फरमा तू अपने महबूब का ज्यादा तो ज्यादा इश्क बाबा आ गया किवें आयो जी करो जी आपने फरमाया तेरे फौजी मेरे ऊठ ले आए ने तेरे फौजी मेरे ऊठ ले आए ने ते ओ लैण वास्ते आया बाबा जी तुसी ते बड़े अजीम नजर आंदे हो मत्थे तो ही नजर आंदे हो
सुभान अल्लाह ते मुतालबा तो हां बड़ा निका जिया कीता है तुहानू मेरा पता नहीं चलिया मैं क्यों आया फरमाया मैनू पता है असि उस घर नाल ताल्लुक रख रहे हैं जिन्हों सब कुछ पता है ते आहां क्यों दसना है पे असी की है आपे तेन पता चल जाएगा कि असी की है गल समझ रहे जी असी मूहो के आखना आख्या मैं ते तुहाडा घर ग्रहण वास्ते आया जिदी वजह नाल तुहाडियां इज्जतां ने खाने काबे की वजह नाल तुहाडा मकाम है कुरैश का उच्चा मरतबा खाने काबे की वजह नाल कुरैश का मुल्क अरब च अदब ते इत्राम खाने काबे की वजह नाल मैं ते ओनू गिराण आया मैं समझिया सा बाबा तू मिन्नतां करेगा तू मिन्नतां करेगा जान दे पैसे ले ले सोना ले ले घर ना गराई आख्या असा कदे अल्लाह तो सिवा किसे दी मिन्नत कीती नहीं कुरान दे विच जिथे होर चंगा ते मकाम आदा जिक्र कीता ना उत्ते एक गजवाए हुनैन दा भी तज़किरा है गजवाए हुनैन दा कुरान विच तज़किरा है अल्लाह ने क्या हुनैन दे दिन नू याद करो करो याद उस दिन नू इज आ जबत कुम कसरत कुम मैं कुरान पाक पढ़ रहा इज आ जबत कुम कसरत कुम जदों तुहाडी कसरत ने तुहाडे ज्यादा होने ने साडी फौज बड़ी गई ए हुजूर दे सहाबा इकराम दे अंदर एक गल पैदा हो गई असि बहुते हाँ असि तो इस सोने की क्या जो थोड़े होंगे रहे बहुत कार पा जाते गजवाए बदर दुश्मन मुस्तफा दे हदार दे नेड़े ते गुलाम मुस्तफा दे 313 नारे तकबीर नारे तहकीर फटियां पुरानियां वर्दियां पैरों नंगे 8 तलवारां 6 तलवारां ते थोड़ियां जियां जिरा तकरीबन कोई 250 किलोमीटर का पैदल सफर करके आ रहे मदीने तो बदर की तरफ कई ने रमजान का महीना सी 17 रोजे भी रखे उधर हर वेले एक ऊठ दबांदा सी हर एक दे कोल तलवार हर एक दे कोल सवारी ते रब ने कुरान च जिक्र कीता है तुसी जानदे हो फलकत नसरकुम अल्लाहु बि बदरिम व अंतुम अज़िल्ला है कुरान पाक है सुभान अल्लाह माशाल्लाह ओए अल्लाह ने तुहानू बदर विच उस वक्त तुहाडी मदद फरमाई ते तुहानू गालिब कीता जदों तुसी बिल्कुल थोड़े सी ओए थोड़ियां नूं रब ने मुस्तफा दे सदके बहुतियां दे उत्ते गालिब कर दित्ता सुभान अल्लाह नारे रिसाले
नाराए तहकीर, नाराए तहकीर, शाने सहाबा। थोड़े होंगे असी बहुतियां ते गालब आ जांदे रहे हैं। ये ओ सोना हाथ विच तलवार टुट गई है, ते फौजी आ गया तलवार टुट गई है, ते असला खाने दे मालिक कोल आ गया, ते आपने फरमाया कोई गल नहीं तलवार टुट गई है, ते नेड़े खजूर दी लकड़ पई सी, फरमाया अल्लाह फड़। देन आले दे हाथ दे विच खजूर दी शाल सी, लकड़ सी, लैन आले दे हाथ दे विच तेल तलवार सी। मैं सदके जावा या रसूल अल्लाह, तुहाडियां शाना तो कुर्बान जावा। सहाबा किराम रिदवान अल्लाह ताला ले मजमे ने सोचे जो थोड़े होंगे ही तो बहुते ने गल पा गए, हूं तो असं है ही बहुते हैं। एक पास बाबा याद रखना, हूं इस गल का मैं लिंक कर लगा, मिलान लगा, तुहाडे अंदर एक सोच तवज्जो रखना जरा कि उस बाबे का मुकाम की है। गज़बा हुनैन, अल्लाह ने फरमाया वो गज़बा हुनैन नु, यौमे हुनैन नु याद करो। इज आजबतकुम कसरतकुम, जदो तुहाडी कसरत ने तुहानू तकबर विच, उजब विच, ताजब विच मुबतला कर दिता, तुहाडे अंदर ख्याल आ गया सी बहुते ही आ, ते होया कि हुनैन आलिया ने इको ही हमला किया, तो पैर उखड़ गए। कुरान दे विच मौजूद है, तफसीरां च मौजूद है, सारे पिछे हो गए, पैर उखड़ गए। अगर नहीं उखड़े तो एक ही जात सी, वो जात सी जिस जात का नूर इस बाबे दे मथे विच चमकदा। गौर फरमाना करा, मैं लिंक कर रहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगे वधे जा रहे ने कल्ले, बाकी पिछे कदम उखड़ गए। तफसीरां पढ़ के वेख लो, कुरान पढ़ के वेख लो, ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी नूं अगे अगे कर रहे ने, ते आप दी जुबान ते जारी की है। आप फरमांदे ने अन्न नबी ओ ला कज़िब। हुनैन दे दिन सवारी अगे वधा रहे ने, बाकी फौजी जड़े बहुते सी ओ पिछे हट गए ने, हल्ला नहीं चल सके, हमला नहीं बर्दाश्त कर सके। अल्लाह नू अपने बंदियां कोलो थोड़ी जिही वी तकबर ते निखवत जड़ी ए गवारा नहीं। रब कहंदा मेरे बंदियो ने जड़े सदा इनकसारी ते आजजी करदे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगे वधदे जा रहे ने, ते अगे वधदियां की आखदे ने, अनन नबी ओ ला कज़िब, मैं नबियां इहदे विच झूठी कोई नहीं। बेशक बेशक बेशक, नबी मैदान नहीं छड़दा, नबी पिछे नहीं जांदा, नबी किसे कोलो डर के पिछे नहीं दौड़दा। अनन नबी ओ ला कज़िब, अनन नबनु अब्दुल मुत्तलिब, ओए मैं नबियां इहदे विच कोई शक नहीं, ते मैं अब्दुल मुत्तलिब दा पुत्र हां।